नमस्कार, मैं हूं कुमार साहू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड इंपोर्ट पर। मैं बात करने जा रहा हूं आज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंतर्गत एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके बारे में बात करना चाह रहा था। देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य और महत्व हो सकता है। ठीक है, उद्देश्य और महत्व शुरू करूं इससे पहले आपको पहले वीडियो देख लेना चाहिए, सारी वीडियो। इसमें मैंने अलग अलग तरह के कंटेंट, अलग अलग तरह के टॉपिक को आपके लिए प्रिपेयर किया है, अपलोड हुआ है सारे वीडियो। आप बारी बारी से सारी वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत और त्वरित मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको जनरल इंट्रोडक्शन मैं इसके बारे में देना चाहूँगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंतर्गत टॉपिक मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर ओरिजिन और इसका डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और कैसे प्रारंभ हुआ था, देखिए हिस्ट्री काफ़ी रोचक है इसके। एक साइंटिस्ट थे, बर्ग नामक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने एक और वीडियो में किया है जो एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड बना था। इन्होंने 1972 में, ठीक है, एक वायरस से एक विशेष प्रकार की जीन को प्राप्त किया था। ठीक है, SV40। ठीक है, क्या वायरस है, SV40 नामक एक वायरस से जीन का फॉर्मेशन इन्होंने किया था। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है सिमियन वायरस, इसको बोलते हैं सिमियन वायरस बोलते हैं। इसका इन्होंने इस जीन को इन्होंने प्राप्त किया था, बर्ग नामक साइंटिस्ट ने, और इसको लेमडा फेज की सहायता से बैक्टीरियल सेल में ट्रांसप्लांट किया था। किसमें? बैक्टीरियल सेल में ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, इसलिए इस कार्य के आधार पर ही 20वीं सेंचुरी में जेनेटिक इंजीनियरिंग ओरिजिन समझ सकते हैं आप, यहीं से वो डेवलप होना शुरू हुआ ये भी समझ सकते हैं। इनके कार्यों के आधार पर, इनको कार्यों के लिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा गया। क्या कहा गया इनको? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा गया, याद रखेंगे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जब भी बात आएगी तो बर्ग नामक साइंटिस्ट का नाम आपको लेना है। ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पिता के रूप में इसका नाम आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ओरिजिन में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके संबंध में दो महत्वपूर्ण खोज हुए जो इस क्षेत्र में क्रांति ला दिए थे। एक खोज था जीवाणुमय प्लाज्मिड की खोज। ठीक है, प्लाज्मिड्स की खोज किसमें? जीवाणु बैक्टीरियल सेल में। और दूसरा जो यहाँ पर डिस्कवर हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज विकर की खोज किया गया था। ठीक है, जो एक डीएनए को निश्चित लंबाई में निश्चित जगहों पर काटने का काम करती है, उन खंडों को अलग करने का काम करती है। इसके आधार पर इसको आणविक कैची या मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जाना गया था। ठीक है, इस एंजाइम को खोज का श्रेय जाता है 3 साइंटिस्ट को। एक है आर्बर नाथन्स एंड स्मिथ। ठीक है, 1970 में इन्होंने खोज किया था, लगभग 1970 के आसपास। बर्ग ने भी 1970 के आसपास, मतलब 20वीं सेंचुरी में कार्यनामे किया था। इन्होंने जो खोजा था इसके बेस पे इनको ईयर 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, आप लोग जानते हैं, इस क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, 1973 में आगे इसमें आता है एक और कंटेंट है। 1973 में एक साइंटिस्ट थे कोहेन एंड बायर ने, ये अलग ही क्षेत्र में काम किए। इन्होंने फॉरेन जीन को ई कोलाई में ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त की थी।
ई कोलाई में ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त की थी, याद रखेंगे है ना। फॉरेन जिन क्या कहता है, बाहरी जिन को ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड पर जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी, अर्थात वहीं से जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग तेजी से विकसित होना प्रारंभ हुआ। बहुत बड़ा कार्य था ये। इसके बाद ही जेनेटिक इंजीनियरिंग सबके मस्तिष्क में आया, सबके सोच में आया। इसकी सहायता से हम इसका उद्देश्य यही समझें कि जीन्स व जेनेटिक मटेरियल्स में आप अपनी स्वेच्छानुसार काट छाँट कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के मरम्मत कर सकते हैं, सुधार कार्य कर सकते हैं। सबको एक साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की संज्ञा दी गई, ठीक है। इसकी बेस पे एक डेफिनेशन बनता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए के अणु, ठीक है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए के अणु तथा जीन्स में निहित प्राकृतिक कमियों का उन्मूलन तथा विशिष्ट जीन्स को स्वेच्छा से जीन तकनीक के द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी शाखा है जिसमें एक डीएनए या डीएनए के अणु को या जीन खंड को, यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उसको दूर करके विशिष्ट प्रकार के जीन प्राप्त कर लिया जाता है, बना लिया, विशिष्ट जीन में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब उस जीन्स में स्वेच्छानुसार परिवर्तन कर लें और उसके बाद में उसको फिर से गुणसूत्र के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं, ये इसका अनुवांशिक अभियांत्रिका का डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब सिंपल सा इसमें आते हैं हम लोग, इसके मेन एम्स एंड इम्पोर्टेंस में क्या महत्व और क्या उद्देश्य है इसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये जानना आपको ज़रूरी है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसका उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य कि हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि ये इसका उद्देश्य बहुत सीमित है, बहुत कम है, इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है, या आपको पता होना चाहिए इसकी उपयोगिता बहुत व्यापक है और काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो हमको जब पता होता है कि किसी भी जीव में गड़बड़ी युक्त अनुवांशिक पदार्थ या जीन है, उसको सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब एक जीन को, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति त्रुटि या बैड कैरेक्टर वाले हैं, इसको हम दूसरे जीन की जगह पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं या दूसरे जीन से इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो बैड कैरेक्टर वाले हैं उस जीन को, समझ में, इसकी सहायता से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसडक्ट कर सकते हैं एनिमल में, याद रखेंगे आप लोग, ये जो प्रक्रिया होती है एनिमल के अंदर होती है, ठीक है। सेकंड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, सेकंड एम या इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, इसमें जो बेस सीक्वेंस होता है, बेस सीक्वेंस अक्षारी जो अनुक्रम होता है, क्षारी क्रम होता है, ठीक है, एक ऐसे क्षारी क्रम जो बैड कंडक्टर या बेड प्रकार की क्वालिटी रखता हो, गलत प्रकार के धारणाएं रखती हो, जिससे रोग होता हो, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं, इनको हम हटा सकते हैं ताकि हम किसी भी प्रकार के रोग से बच सके, रोग से मुक्त रहे, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें एम्स आता है, जैसे आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग एक विशेष प्रकार का बीमारी जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया का डिजीज़ जो होता है, जो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले एक विकृत जीन की वजह से होता है, उस जीन को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दूसरा आता है इसमें नेक्स्ट एम्स के बारे में अगर बात करें, तो इसमें आराम से आप किसी भी बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल को आप उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया बैक्टीरिया में, किसी भी प्रकार के प्लांट में और किसी भी प्रकार के एनिमल में आप अपने चाही गई गुण को, इसमें मनचाही क्वालिटी को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, मनचाही विशेषता को आप उत्पादित कर सकते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट आता है इसमें, और आप अगर जाएं तो इसके माध्यम से आप जीनोम मैपिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीनोम मैपिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं, अर्थात आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवाणु पौधों और जंतुओं में स्थित जीनोम का मैपिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। इसकी सहायता से आप डायग्नोस्टिक कीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक कीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब रोग दूर करने वाले कीट, ठीक है ना। अभी आपको पता होगा, किट से परिचित होंगे आप लोग, कोरोना के कीट बहुत सारे आया है, कोरोनिल कीट आया है, रामदेव बाबा का, पतंजलि का, ये पता होगा आपको। इसकी सहायता से आप कई प्रकार का वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, अधिक प्रभावशाली और संक्रामक रोगों के लिए वैक्सीन का फॉर्मेशन कर लेंगे आप इसकी सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर करें, तो इसमें एक और बहुत पावरफुल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल सकती है, जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मेडिकली ऐसे एनिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ बनाने वाले जीन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के
जीन में हेर फेर कर, जीन मैनिपुलेशन कर, जीन मैनिपुलेशन कर, मैनिपुलेशन कर आप ऐच्छिक पदार्थ उत्पन्न करने वाले जीन में उसको बदल सकते हैं। मतलब रिक्वायर्ड मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं, याद रखेंगे आप लोग इसकी सहायता से। नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो इसको आप में आपको मिलेगा, आप आसानी से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अर्थात अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप उसका विकास कर सकते हैं अनुवांशिक रूप से, ठीक है। और इसमें और आता है आपको देखने को ये भी मिलेगा, इसमें कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का फॉर्मेशन करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का फॉर्मेशन करें जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल वाला हो, ठीक है। इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी वैरायटीज उपयोग ला सकते हैं जो कैसे हो, जिसमें इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो, इम्यून सिस्टम पावरफुल हो, इम्यून सिस्टम कैसा हो, पावरफुल हो, कहने का मतलब कीट प्रतिरोधी होना चाहिए, रोग प्रतिरोधी होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा वाली स्थिति, जैसे कभी साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई, लवणता ज़्यादा हो गई, सूखा हो गया, या किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, किसी भी प्रकार के भौतिक कारक का बढ़ना जिसके कारण वो पौधे की बढ़वार कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है पौधे या एनिमल्स, उन की इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर उसको स्थापित रखने में मदद मिलती है इस टेक्निक की सहायता से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, क्लियर है। इसके कारण मैंने शुरू में बताया था कि जो ख़राब जीन्स होता है उसको हटाकर आप लाभदायक जीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात आप जीन थेरेपी कर सकते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है जीन थेरेपी। क्या कर सकते हैं आप लोग, जीन थेरेपी कर सकते हैं आप, जिसके माध्यम से जीन को आप ट्रांसप्लांट करेंगे, जीन को आप बदलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं जो एम्स के रूप में है, उद्देश्य के रूप में है, या इंपॉर्टेंस हमारे लिए बनता है, वो तो है, एक होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा, सॉरी फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा आप आसानी से किसी भी अपराधी की पहचान कर सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल की पहचान कर सकते हैं, किसी भी सस्पेक्ट को आप पहचान सकते हैं, और पेरेंट्स को, किसी कोई बच्चा बिछड़ा हुआ है तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से आप उसके पेरेंट्स तक पहुंच सकते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट एम्स और इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं इसमें, किसी भी प्रकार की, मैंने जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उनकी ओरिजिन, उत्पत्ति एंड इवोल्यूशन को आप समझ सकते हैं, इवोल्यूशन को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एम्स और इम्पोर्टेंस की बात करें तो कई ऐसे प्लांट आप डिस्कवर कर सकते हैं यहाँ से, उसको निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके माध्यम से उसमें नीफ जीन बन जाए। नीफ जीन अगर बनता है का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी आ जाए, फिक्सेशन की कैपेसिटी उसमें आ जाती है, ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट आता है इस कंटेंट में, मैं आपको बता दूं कि सीडीएनए और आरडीएनए में क्या अंतर होता है, ठीक है। यो मैंने इसलिए अलग से लिया क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेट डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, रिकॉम्बिनेट डीएनए और सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या अंतर होता है ये देख लेंगे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको कि कोई अलग से और वीडियो ना बनाना पड़े, इसलिए मैं इसे एक ही में बता रहा हूँ। आरडीएनए मतलब होता है रिकॉम्बिनेट डीएनए, मतलब ये रिकॉम्बिनेट नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेट नेचर के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रकृति के होते हैं, कैसे होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। ये जो आर डी एन होता है रिकॉम्बिनेट डी एन ए होता है, डबल हेलिक्स वाला होता है, डबल थ्रेड वाला होता है, डबल स्ट्रैंड वाला हो सकता है, होता है डबल स्ट्रैंड वाला या डबल हेलिक्स वाला होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए इसका फॉर्मेशन आर एन ए से होता है, याद रखना, मैसेंजर आर एन ए से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड वाले ही होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड वाले होते हैं, और इसमें दो अलग अलग जीवों के डी एन ए से इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब टू अदर एनिमल्स डीएनए इसमें मिला होता है तब आरडीएनए बनता है, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रकार के जीव के डीएनए की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ वन
एनिमल, एनिमल से डीएनए होता है, मतलब एक एनिमल के डीएनए से आप डीएनए की आवश्यकता पड़ती है, एक जीव के एक डीएनए की आवश्यकता पड़ती है इसको निर्मित करने के लिए, ठीक है। इसके इसके और फॉर्मेशन में जाएंगे तो डीएनए जो लाइगेज है इसकी महत्ता यहाँ पर बढ़ जाती है। डीएनए लाइगेज जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, दो टूटे हुए डीएनए खंडों को या दो डीएनए खंड को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। और रिवर्स, इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए से सीडीएनए बनाता है, क्या बनाता है, सीडीएनए बनाता है, याद रखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये था वो पूरा एम्स और इम्पोर्टेंस जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री भी मैंने थोड़ा सा बताया, आरडीएनए और सीडीएनए के बारे में चर्चा किया, जिसके माध्यम से आप नए प्रकार की स्पीसीज, नए प्रकार के मतलब जीव, नए प्रकार के क्वालिटीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें, इसमें से कई कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को जानकारी आपको तुरंत मिले। नेक्स्ट वीडियो फिर शेयर किया हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।